ખૂબ ખૂબ આભાર રાજ્ય સરકારના કૃષિ પશુપાલન સંવર્ધન મત્સ્યપાલન ગ્રામીણ આવાસ અને ગ્રામીણ વિકાસના કર્મઠ માનનીય મંત્રીશ્રી અને ધન્ય ધરા સાથે જોડાયેલા એવા એક ખરા ભૂમિપુત્ર એવા માનનીય મંત્રીશ્રી રાઘવજી પટેલ સાહેબે મીઠી મધજરતી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં ઉર્જાવાન શબ્દો થકી પોતાની શુભેચ્છાઓ આપણા સુધી પહોંચાડી અને આ દીક્ષાંત મંડપમાં ઉપસ્થિત સૌનો અને ખાસ કરીને વિશ્વગુરુ બનવા તરફ અગ્રેસર એવા ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના મજબૂત કર્ણધારોનો ઉત્સાહ અને મનોબળ ચોક્કસ વધાર્યું છે એ બદલ રાઘવજી પટેલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર અબ આજ કે ઇસ અઠારવે દીક્ષાંત સમારોહ કે પાવન અવસર પર પધારે હુએ ઓર જિનકી વરદ ઉપસ્થિતિ સે हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ऐसे हमारे परम सन्माननीय राज्यपाल श्री गुजरात राज्य एवं कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी एक नाम जो कि प्राकृतिक कृषि के साथ इसके प्रचार और प्रसार के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है कि हम इनको प्राकृतिक कृषि के महारिषि या तो प्राकृतिक कृषि के पितामह भी कह सकते हैं वे कई अवसर पर हमारे कृषि वैज्ञानिक एवं किसान बंधुओं के साथ अपने स्वयं के प्राकृतिक खेती के साथ के अनुभव सिद्ध ज्ञान को भी साझा कर चुके हैं प्राकृतिक खेती के द्वारा आरोग्यप्रद खेत उत्पादों के जरिए हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए वे हमेशा चिंतित रहते हैं और किसानों को हमेशा प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करते रहते हैं हमारे लिए ये बहुत ही गर्व एवं सम्मान की बात है कि आज जब ये युवा विद्यार्थी अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं और अपनी शैक्षणिक उपाधि लेकर यहाँ से जाने वाले हैं तो इस पावन अवसर पर आचार्य देवव्रत जी हमारे साथ उपस्थित हैं मैं उनसे सादर विनती करता हूँ कि वो अपने प्रेरणादायी अध्यक्षीय प्रवचन से हम सबका उत्साह वर्धन करें और हमें मार्गदर्शित करें बुलंद करताल ध्वनि से स्वागत करें आचार्य देवव्रत जी का ओम ओम दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया ओम शांति नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री आर सी अग्रवाल जी उप निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली आदरणीय डॉक्टर जेड बी पटेल जी कुलपति विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर एच वी जी कुल सचिव आज जिनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शरद भाई पटेल जी एसपी ग्रुप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी एवं प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय श्री गोविंद भाई धोलकिया जी डॉक्टर तेमूर अहलावत जी कलेक्टर महोदय एसपी महोदय प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति महोदय प्रबंध मंडल तथा अकादमिक परिषद के सदस्यगण विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण अधिकारीगण प्राध्यापकगण अतिथिगण संचार माध्यमों के प्रतिनिधिगण छात्र छात्राएं देवी और सज्जनों आज नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह पर आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम की सुव्यवस्था के लिए कुलपति महोदय और उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूं आज जितने भी छात्र छात्राएं जिन्होंने मेहनत परिश्रम किया और आज उसका प्रतिफल के रूप में डिग्रियां प्राप्त हो रही हैं ऐसे सभी बेटे और बेटियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को जिन माता पिता ने अभाव में रहकर आपको इतनी ऊंची शिक्षा दिलाने में योगदान दिया ऐसे अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं भाइयों और बहनों आज के इस दीक्षांत समारोह में आदरणीय डॉक्टर जेड बी पटेल कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी हमारे बीच में रखी है यह विश्वविद्यालय अपने आप में बड़ा गरिमापूर्ण है आज तक इसने अपना एक इतिहास बनाया है कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इसी प्रकार की बुलंदियों को ये छूता रहे ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ आज हमारे जिन बेटा बेटियों ने डिग्रियाँ प्राप्त की हैं उनके लिए और गुरुजन दोनों के लिए आज का दिन बड़ा महत्व का दिन होता है आज के छात्र छात्राएं मात्र अपने हाथ में आई डिग्रियों से ही संतुष्ट ना हों। आपको आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है अब तक केवल आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे आपको योग्य मानते हुए आज आपको वो उपाधियां जो दी गई हैं ये उपाधि व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है आज आप इन डिग्रियों को लेकर कार्य क्षेत्र में जाएंगे आपने जो पढ़ा है जो आज तक जाना है जिस जिस सब्जेक्ट में आपने योग्यता हासिल की है अब वो केवल आपका नहीं है वो सब के लिए है समाज के लिए है देश के लिए राष्ट्र के लिए है आज के दिन प्राचीन भारत में इसको दीक्षांत समारोह कहा जाता था तो इस देश का गुरु अपने विद्यार्थियों को सामने बैठाकर जैसे आज आप बैठे हैं उनको कुछ उपदेश देकर के भेजा करता था और वो उपदेश था सत्यम धर्मम चर स्वाध्यान मा प्रमद स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव एष आदेश है एष उपदेश यस्माक सुचरिता तानी तो पास्यानी नो इतराणी बहुत बड़ा उपदेश होता था इस देश के गुरुजन जो विद्यार्थी वर्षों तक उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करते थे उनको उपदेश दे करके कहता था बेटे आज आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है आज हम आपको डिग्रियां देकर कार्य क्षेत्र में भेज रहे हैं वहां जाकर आपने क्या करना है समाज की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, ये बात कही जाती थी और पहला उपदेश था सत्यम जीवन में कभी भी असत्य का आचरण मत करना सत्य ही टिकाऊ सिद्धांत है जब व्यक्ति सत्य को जीवन का आधार बना लेता है तो दुनिया की सब प्रकार की बुराइयों से बचना उसके लिए बहुत सरल हो जाता है समय इतना नहीं कि मैं इसकी लंबी व्याख्या करूं दूसरा उपदेश देता था धर्मम चर धर्म का ये मतलब नहीं कि तू हिंदू बनना मुसलमान बनना यहूदी बनना पारसी बनना जैनी बनना बौद्ध बनना सिख बनना इस देश में धर्म ये नहीं था धर्म था कर्तव्य का पालन ये मात्री धर्म है मां के प्रति कर्तव्य का पालन ये राष्ट्र धर्म है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन ये कृषि धर्म है खेती के प्रति आपका कर्तव्य का पालन इस देश में धर्म का मतलब था उस सिद्धांत को धारण करना जिसके धारण करने से आपका भी कल्याण हो और आपके संपर्क में आए उसका भी भला हो ऐसा काम कोई मत करना कि जो धर्म के विपरीत हो और इस देश का गुरु कहता था बेटे ये मत समझना कि अब डिग्रियां मिल गई पढ़ाई पूरी हो गई जो किताबें थी उनको बिल्कुल जा कर के अलमारी में बंद करेंगे बहुत दिन हो गए पढ़ते दुखी हो गए और उसके आगे हरिजन का ताला लगा दें ऐसा मत करना गुरु कहता था विद्यार्थी को आजीवन सीखते रहना चाहिए हर व्यक्ति को सीखने चाहिए हर व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए न अभ्यास विद्या बिना अभ्यास के विद्या लुप्त तो हो जाती है और बिना खेत में जाए किसान की फसल लुप्त तो हो जाती है आप तो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। किसान खेती संभालना बंद कर दे और आदमी पढ़ाई को बंद कर दे तो दोनों ही लुप्त तो हो जाती इसलिए आज के दिन गुरु उपदेश देता था स्वाध्यान प्रमद जो पढ़ा है ना इसको बढ़ाते रहना इसको पढ़ाई को छोड़ मत देना अपनी विद्या की अभिवृद्धि करना और इससे आगे उपदेश और बढ़ा देता था और जो पढ़ा है ना वो अपने तक सीमित मत रखना अपितु प्रजन्यो भी वर्ष जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके वहां बरसाता जहां उसकी, उसकी अभिवृद्धि करना और उन लोगों में बांटना जिसके लिए तुमने पढ़ाई की है पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से पूरे धर्म पूर्वक कर्तव्यपूर्वक सत्याचरण पूर्वक, पूर्वक अपनी विद्या का समाज के लिए प्रचार करना भलाई के लिए उसको बांटना ये परम उपदेश इस देश के गुरु देते थे और इसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी बताते थे आज हम डॉक्टर बन गए हैं इंजीनियर बन गए हैं पायलट बन गए हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए धनपति बन गए बहुत भोगी बन गए लेकिन इसके साथ उपदेश देता था मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव जिस माता पिता ने जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा किया जिन गुरुजनों ने दीपक की तरह स्वयं जल करके आपको विद्या से प्रकाशमान किया उनके प्रति सदा ईमानदारी से श्रद्धा का भाव रखना उनकी सेवा करना उनका सम्मान करना उनकी इज्जत करना आज दुर्भाग्य है मेरे देश का ऋषियों के इस देश में श्रवण कुमार के इस देश में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं आज सब कुछ होते हुए बूढ़े माँ बाप के लिए चारपाई के लिए जगह हमारे घरों में नहीं बची है आज बड़े बड़े अमीरों के माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं इससे बड़ी लानत हमारी शिक्षा के लिए दूसरी नहीं हो सकती है यहाँ गुरुजन बड़े लोग सम्मानित लोग श्रद्धा के पात्र हैं आज के दिन गुरु कहता था उनको भी मत भूलना उनको भी सदा आदर और सम्मान का भाव देना ये भारत की संस्कृति थी यहाँ की विचारधारा थी तो मुझे विश्वास है कि आज के हमारे जो छात्र छात्राएं जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं वो केवल इसको रोजी रोटी का साधन न बनाएं केवल ये मत माने कि रोटी कपड़ा मकान ही जीवन की आवश्यकता है ये तो सामान्य व्यक्ति पशु पक्षी जीव जंतु भी रोटी कमा लेते हैं और जीवन यापन कर लेते हैं हम मनुष्य हैं मननशील हैं चिंतनशील हैं मानव वो है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अंदर अनुभव करना जानता है ऐसे इंसान बनना दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सको ऐसे मनुष्य बन करके यहाँ से जाना जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अनुभव करते हुए उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना सको यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य यदि हम ये सब कुछ नहीं कर पाए स्वार्थ की जिंदगी अपने तक की जिंदगी जी तो क्या जीवन जिया भारत का जीवन और चिंतन बहुत विशाल सोच के साथ शिक्षा केंद्रों में बालकों के निर्माण की प्रक्रिया का चलता था और आप तो एक ऐसी विद्या को पढ़ करके जा रहे हो जो सीधी जीवन के साथ में जुड़ी है धन की अलमारियां भरी हों और अन्न ना मिले तो धन से पेट नहीं भरने वाला बड़ी बड़ी गाड़ियां हो लग्जरी उनसे भी पेट नहीं भरने वाला बड़ी बड़ी हवेलियां हो उनसे भी पेट नहीं भरने वाला पेट तो किसान जब धरती माँ की छाती को चीर कर अन्न पैदा करता है किसान दूध पैदा करता फल पैदा करता साग भाजी पैदा करता उससे पेट भरता है और उस काम को करने में आपका योगदान है आप उस योगदान को दे सकते हैं तो आप मैंने अभी जब अपनी बात शुरू की तो मैंने वेद का एक मंत्र बोला था और वो मंत्र क्या है अक्षयरमा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्र हम पृथव्या वेद भगवान हर मनुष्य को उपदेश देते कहते हे मनुष्य आजीविका यापन करने के लिए कृषि ही कर अक्षयरमा दिव्य अक्षय कहते हैं जुआ खेलने को जुआ खेलने को के जुए जैसी बिना मेहनत की कमाई इकट्ठी मत कर वो कमाई तेरे कुल का परिवार का तेरा विनाश करने वाली होगी असली कमाई वो है जो पसीना बहा करके पैदा की जाती है और पसीना बहाकर कमाई इस धरती पर कोई करता तो वो किसान करता है ऐसी कमाई तू पैदा कर और माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या ये धरती हमारी मां है ये ऐसे ही पालन करती है जैसी हमारी माताएं हमारा पालन करती हैं इसको जहरीला मत बना इसको बर्बाद मत कर प्रकृति का नाश मत कर ऐसा वेद का उपदेश है तो मेरे प्यारे युवाओं साइंटिस्ट बंधुओं और सभी गुरुजन मैं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया है प्राकृतिक खेती का मैं बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ आप साइंटिस्ट से मेरा नम्र निवेदन है हम आपके आभारी हैं आपके कृतज्ञ हैं आप लोगों ने साठ के दशक में अपनी मेहनत के द्वारा अपनी योग्यता के द्वारा नई टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत को खाद्य दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है अब समय बहुत बदल चुका है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती समय दुनिया के सामने है तो वह है ग्लोबल वार्मिंग की ये छोटी समस्या नहीं है पिछले दिनों कोरोना आ गया सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत सूझबूझ विवेक के द्वारा दो दो वैक्सीन इस देश में नौ महीने में पैदा करवा दी भारत के लोगों को उस कष्ट से बचा लिया हमारे जीवन हमारे नहीं दुनिया को बचाया लेकिन आप सबसे मैं जानना चाहता हूं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका कौन सा इंजेक्शन है इसकी कौन सी दवाई है जिससे हम बच पाएंगे अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं ओजोन की परत में हॉल हो गए है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट धरती पर आ रही हैं उनसे अनेक प्रकार के रोग और गर्मी बढ़ रही है उसके साथ तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं नदियाँ सूख जाएंगी पीने का भी पानी नहीं मिलेगा खेती कहाँ से करोगे इस समय जो टेम्परेचर आज के दिन प्रतिदिन आप न्यूज सुन रहे होंगे इस फरवरी के महीने में पिछले कितने सालों से इतना टेम्परेचर नहीं हुआ था आज इस मार्च के महीने में चेतावनी मिल रही है जो मई जून में महीने में गर्मी होती थी आज वो मार्च में मिलने वाली है और इसका परिणाम पिछले वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की फसल में 20 प्रतिशत तक नुकसान हुआ था थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के कारण और अब की बार तो और भी बढ़ रहा है ये सब इतनी गंभीर चुनौती है आप सबके सामने देश के सामने दुनिया के सामने समझदार लोगों को आप जैसे जिम्मेदार लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा और आपके बीच के ही साइंटिस्ट इस बात को बता रहे हैं कि 24 परसेंट चौबीस प्रतिशत इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी रासायनिक खेती जिम्मेदार है इतना प्रदूषण उसके द्वारा बढ़ रहा है पानी पीने का बचा नहीं आप सबसे मैं पूछता हूं तीस चालीस साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था कहीं पर भी हम पानी पी लेते थे आज ये बोतलें क्यों लेनी पड़ी क्योंकि इतना कीटनाशक यूरिया डीएपी, जहर इतना धरती में डाला गया है कि वो धरती भूगर्भ जल को भी उसने दूषित कर दिया है आज माँ के दूध में पेस्टिसाइड मिल रहे हैं आज पशुओं को कैंसर हो रहे हैं धरती की 60 प्रतिशत जीव जंतुओं की प्रजातियां हमने लुप्त कर दी हैं। अब भी हम इसी पे जुटे पड़े हैं मैं निवेदन आपसे नम्रता पूर्व करता हूँ हमारी ये जो टेक्नोलॉजी वर्तमान कृषि पद्धति की रासायनिक है ये आपकी नहीं है ये विदेशियों की है आज आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 15 अगस्त को लाल किले की, की प्राचीर पर बोलते हुए घोषणा की थी कि मैं आह्वान करता हूं पूरे भारत की युवा पीढ़ी को और देश के लोगों को कि इस गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से बाहर निकलिए ये गुलामी की मानसिकता विदेशियों की ओर देखना वही हमें देंगे वही रास्ता बताएंगे वही हमें जीवन का आधार देंगे हम कुछ नहीं है ये सोच आप अपने मन से निकालिए आप इसी बात से सोचिए जो ब्रिटेन जिसके राज्य में सूरज नहीं छिपता था आज वो भूखा मरने की स्थिति में पहुंच रहा है आज भारत उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है आज यूरोप के लोग महंगाई की मार में झुलस रहे हैं लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था कुल आठ साल में ग्यारहवें नंबर से निकालकर पांचवें नंबर पर लाकर के खड़ी कर दी है और अगले दो साल में ये और आगे बढ़ने वाली है हम सोचते थे हमारे ये युवा कुछ नहीं है उन्होंने स्टार्टअप का एक विजन हमें दिया आज लाखों स्टार्टअप खड़े हो गए हैं। ऐसे साइंटिस्ट ऐसे ऐसे बालक जिन्होंने क्रांतियां कर दी हैं अपने अपने क्षेत्र में किस दीनता हीनता की बात हम करते हैं हम बाहर के लोगों से सीख के आएंगे अरे आप सोचिए अमेरिका जैसे देश में सबसे ज्यादा विदेशी डॉक्टर हैं तो हमारे भारतीय हैं इंजीनियर हैं तो हमारे हैं वहाँ पर जो भी विकास का रास्ता तय कर रहे हैं आज हमारे युवा वहाँ जाकर उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं थोड़ा सा चिंतन बदलने की जरूरत है हमारे युवाओं में आत्मविश्वास की जरूरत है अपने को समझिए आप शेरों की संतान हमारे साथ पता क्या बन गया हमारी स्थिति वो हो गई एक घटना सुनाता हूं आपको कहते हैं एक शेरनी गर्भवती थी वो जंगल में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदी तो इसी बीच में उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया और नीचे कुछ भेड़ें चल रही थी उसका पैदा किया हुआ बच्चा नीचे भेड़ों में आकर के गिरा अब उन भेड़ों ने शेर के उस बच्चे को पाल लिया उनके बीच में वो रहने लगा उन्हीं की तरह चरने लगा उन्हीं की तरह मिमियाने लगा उन्हीं के बीच में घूमने लगा और उसने अपना रूप उन्हीं की तरह सोच करके उन्हीं जैसा बन गया एक दिन जंगल में एक शेर ने इन भेड़ों के समूह पर आक्रमण कर दिया अब जब आक्रमण किया तो भेड़ें दौड़ पड़ी इन दौड़ती भेड़ों में शेर ने शेर के बच्चे को भी देखा उसने देखा इन भेड़ों में शेर का बच्चा उस शेर ने इन भेड़ों को छोड़ दिया उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसके स्वरूप को समझाने के लिए उस भेड़ शेर के बच्चे को तालाब के किनारे ले गया और तालाब के किनारे जब खड़ा किया तो तालाब में जब परछाई पड़ी शेर की और इधर परछाई पड़ी शेर के बच्चे की दोनों ने एक दूसरे को देखा तो शेर के बच्चे में शेर जाग गया शेर को देख करके मैं तो इसी शेर जैसा हूं मैं तो भेड़ों में पड़ा था भेड़ों की तरह में मैं आता था पहले वो समझा हुआ था कि मैं भेड़ हूं और अब शेर को देख करके समझ गया मैं भेड़ नहीं मैं तो शेर हूं तो तुम भारतवासी शेर पुत्र हो श्रणवंतु सर्वे अमृत से पुत्राहा तुम अजर अमर भगवान की संतान हो अपने स्वरूप को समझो आप ऋषियों की संतान हो महापुरुषों की संतान हो जो विश्वगुरु भारत था उनके पुत्र हो आप में बुद्धि क्षमता की कोई कमी नहीं आपके शौर्य की कोई कमी नहीं हमारे में हजारों साल की गुलामी ने हमारी मानसिकता को गुलाम बना दिया और आज भी हम उनकी चीजों को ढोए फिरते हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे अपने स्वरूप को समझो और उसको पहचानो और उर्दू के शेर के शे, शेर में एक बात लिखी थी शायर ने कहा था खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ये सोच पैदा होनी चाहिए आप जवान हैं युवा हैं पढ़े लिखे हैं साइंटिस्ट हैं इंजीनियर हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन लोगों की आप जिस थ्योरी को लेकर के आए थे खेती करने के लिए आप अपनी भारतीय मूल की थ्योरी पर क्यों नहीं रिसर्च करते आप इस प्राकृतिक खेती के मिशन पर क्यों नहीं रिसर्च करते आप इसके अंदर विज्ञान क्यों नहीं ढूंढते आज मेरे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बारह एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जो आपके बीच के हैं जिनमें वाइस चांसलर भी हैं जिनमें प्रोफेसर भी हैं आपकी ही विद्या पढ़े हुए हैं और वो प्राकृतिक खेती पर रिसर्च करके और वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आई के 470 साइंटिस्ट जो के यू के में है के यू के में है पूरे देश में उन सब की ट्रेनिंग गुरुकुल कुरुक्षेत्र कुरु 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 में हुई है और साइंटिस्ट आपने ही वो ट्रेनिंग दी आपके भाइयों ने और उन्होंने बैठ कर के ये रिसर्च पाई है कि ये प्राकृतिक खेती का जो मिशन है ये विशुद्ध विज्ञान है ये साइंस है ये ढोंग नहीं है लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि यहाँ की चीज विदेश में जाके आ गई तो हमारे लिए प्रमाण हो गया और हमने पैदा की तो हम तो गुलाम हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते इस इस मानसिकता से बाहर निकलने की बात है हमारे साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है कि देसी भारत नस्ल की जितनी गौ गौवे हैं इनके एक ग्राम में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है और जब हम वो टेक्निक यूज करते हैं जीवामृत बनाने की तो उसमें गुड़ मिलाते हैं मिट्टी मिलाते हैं उसमें हम गाय का गोबर गोमूत्र और बेसन मिलाते हैं तो उसमें आपके ही साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि वो ड्रम के अंदर हर 20 मिनट में उन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या डबल होती है हर 20 मिनट में डबल होती है और बहत्तर घंटे तक होती है असंख्य असंख्य सूक्ष्म जीवाणु वहां तैयार होते हैं और जब ड्रिप के द्वारा पानी के द्वारा स्प्रिंकल के द्वारा खेत में देते हैं तो धरती के सूक्ष्म जीवाणु में मिलकर के कल्चर का, का काम करते हैं मेलवण का काम करते हैं और उन्हीं में तो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश में अठहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजन को लेते हैं और भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देते हैं आप इस पर क्यों नहीं रिसर्च करते हैं? उसी पर चल रहे हैं जिस पद्धति ने हमारी धरती को बंजर बना दिया पानी को पीने लायक छोड़ा नहीं हवन हवा को लेने लायक छोड़ा नहीं खाद्यान्न और जो खा रहे उनमें सब में इतना जहर आ गया सब जगह कैंसर डायबिटीज हार्ट अटैक पेनक्रियाज फेल किडनी फेल ट्यूमर दुनिया भर की बीमारियां आज इस खान पान से हम लोगों को दे रहे हैं मैं अपने खेत के 200 एकड़ में खेती करता हूं वो भी तो वही धरती है जो आपकी धरती है उसमें मेरा गन्ना 500 सौ क्विंटल प्रति एकड़ निकल रहा है मेरा धान 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हो रहा है खर्चा मेरा जीरो और आमदनी मेरी हीरो और फिर भी आपको समझ में नहीं आती भी ये भी रास्ता बन सकता है आप इस पर क्यों नहीं अपनी युवा पीढ़ी को रिसर्च के लिए लगाते जितने मेरे युवा बेटा बेटी आज डिग्री लेकर के जा रहे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारतीय मूल की पद्धति पर भी रिसर्च कीजिए उस पद्धति पर रिसर्च कीजिए जो लोगों को जीवन दे सके जो हवा को बचा सके जो धरती को बचा सके आपके ही आदरणीय उनका हम अभिनंदन करते हैं स्वा स्वामीनाथन जी डॉक्टर नैने जैसे लोग जिन्होंने हरित क्रांति को शुरू किया उन्हीं की रिपोर्ट है भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन दो से ढाई प्रतिशत होता था आज पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जीरो पॉइंट फोर फाइव से नीचे आ गया है। और आपकी भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जीरो पॉइंट थ्री फोर फाइव है वो धरती बिन उपजा हुआ है। बंजर बन गई है और ये और नीचे जा रही है आप सबसे मैं निवेदन करके पूछता हूँ ये अन्यथा नहीं है आपको सोचने के लिए मैं निवेदन करता हूं आप में एक भी साइंटिस्ट इस बात को सिद्ध कर दे कि यूरिया धरती में डालने से डीएपी धरती में डालने से कीटनाशक धरती में डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है दुनिया के सारे साइंटिस्ट से मैं चैलेंज करता हूं कोई ये सिद्ध कर दे कि यूरिया डीएपी ये जो आप रासायनिक खेती करते हैं इससे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और बढ़ ही नहीं सकता इसे घटेगा और इसका प्रमाण है साठ के दशक में भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन दो से ढाई प्रतिशत था और आज हमने यूरिया डीएपी जहर डाल डाल करके उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे ला करके खड़ा कर दिया और इसका परिणाम क्या है धरती बंजर हो गई उसका परिणाम क्या यूरिया डीएपी और ज्यादा डालना पड़ेगा उससे किसान की लागत और बढ़ेगी भारत की केंद्र सरकार को विदेशों से और ज्यादा वो मंगाना पड़ेगा कल रात मेरे साथ मनसुख मांडविया केंद्र के उर्वरक मंत्री मेरे साथ थे अहमदाबाद में हम इकट्ठे बैठे थे उन्होंने मेरे को बताया पिछले साल दो लाख करोड़ का यूरिया डीएपी हमने विदेशों से मंगाया है और इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है क्यों धरती बंजर हो गई पहले जो दस किलो यूरिया में एकड़ में काम चलता था आज दस बैग में भी नहीं चलता और ये बढ़ेगा इससे किसान की लागत बढ़ेगी भारत का धन विदेशों में जाएगा धरती बंजर बनेगी ये जहर का भोजन खा करके लोग अस्पतालों में और जाएंगे लेटेस्ट रिपोर्ट है कि आने वाले दो दशक में यदि यही खेती आहार लोगों को मिलता रहा तो भारत में भयंकर रूप से कैंसर का विस्फोट होगा अगले दो दशक के अंदर अंदर भयंकर कैंसर विस्फोट होगा ये स्थिति आज हमारी बन रही है आज मैं आप सबसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ आपने जो नई नई किस्में पैदा की हैं बधाई के पात्र हैं ऐसी किस्में आप बीजों की तैयार करें जो बढ़ते हुए तापमान में भी फसल हमारी होती रहे आप नई नई किस्में पैदा करें इसके लिए बधाई के पात्र हैं पर मेरा निवेदन है जहर वाली खेती को छोड़कर हम प्राकृतिक ढंग से यदि खेती अपनी उतनी ही उपजाऊ बनाने की दिशा में बढ़ा सकें जो रासायनिक से होता है तो कितना बड़ा कल्याण आप मानवता के करोगे दुनिया को कितना बड़ा जीवन दान आप कर सकते हैं हम उनकी बनी बनाई नकल को धकेले जा रहे हैं अब भी विदेशों में जाकर सीख के आ रहे हैं वो बेचारे हमारे पास आ रहे हैं अब नीति आयोग के साथ जर्मन ने प्राकृतिक खेती के साथ हमारे साथ समझौता किया है अरबों डॉलर वो देने को तैयार हैं वो जहर से दुखी हो चुके हैं वो कहते हैं आप अपनी प्राकृतिक खेती के से हमारे को जोड़िए वो इस रास्ते पर आ रहे हैं तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपकी रिसर्च अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती की ओर बढ़नी चाहिए जो टेक्निक अब तक जीवामृत घन जीवामृत बीजामृत की इससे भी अच्छी आप दे सकें इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि हमारी धरती बंजर होने से बच सके ये पानी पीने लायक रह सके हवा लेने लायक रह सके लोगों का स्वास्थ्य बच सके और ये संभव है इस समय गुजरात में सवा तीन लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं आप उनसे मिलिए जो ईमानदारी से कर रहे हैं वो बड़े संतुष्ट हैं वो कहते हैं हमारे को कोई उत्पादन में कमी नहीं हुई है उनकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया है मैं गारंटी देता हूं आपको आप अपने अपने फार्म जो आपके यूनिवर्सिटी के हैं जिन में रासायनिक खेती आप करते हैं आप उनकी सोयल टेस्ट करिए और उसका ऑर्गेनिक कार्बन जितना आज है ईमानदारी से उसमें प्राकृतिक खेती कर दीजिए एक ही साल में उसका ऑर्गेनिक कार्बन डबल के नजदीक जाएगा एक ही साल में एक साल में मैं गारंटी देता हूं ये मेरा गया है लोगों का गया है ऐसी धरती मेरे अपने खेत की डेढ़ परसेंट तक लेकिन आप इसको मान ही नहीं सकते कि ऑर्गेनिक कार्बन इतना बढ़ सकता है और मैं भी कहता हूँ आपको मानना भी नहीं चाहिए क्यों नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपकी पद्धति में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता वहाँ तो घट सकता है क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कौन बढ़ाता है सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कौन बढ़ाता है या अर्थवर्म बढ़ाता है ऑर्गेनिक कार्बन कौन बढ़ाता है अवशेष जो उसमें डाले जाए वो बढ़ाते हैं वापसा बनती वो बढ़ाती है वो इस पद्धति में है ही नहीं तो कैसे बढ़ेगा ऑर्गेनिक कार्बन तो मैं निवेदन करता हूं नम्रता से आप में कुछ ऐसे क्रांतिकारी साइंटिस्ट आगे कदम बढ़ाएं, भाई लोगों बने बनाए रास्ते पर तो सामान्य लोग चलते हैं ध्यान करिए मेरी बात की ओर बने बनाए रास्ते पर तो सामान्य लोग चलते हैं महान वो कहलाए हैं महापुरुष वो कहलाए हैं जो नया रास्ता बनाते हैं और जमाने को पकड़ करके नए रास्ते पर चलाते हैं आप वो काम करो जो नया रास्ता हो ये जितने मेरे युवा बेटा बेटी आज डिग्रियां लेकर के मैदान में जा रहे हैं आपसे मेरा निवेदन है बचाओ इस दुनिया को जहर से बचाओ इस धरती माता को जहर से बचाओ इस पानी को जो दूषित हो चुका है बचाओ इस हवा को जो लेने लायक नहीं बची है ये काम आप लोग कर सकते हैं और इसके लिए विकल्प आपके सामने है प्राकृतिक कृषि पर आप रिसर्च कीजिए नए नए बीजों पर कीजिए मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं खेती में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे हमारा उत्पादन भी ना कम हो लेकिन जहर से मुक्त हो सके इन्हीं कामनाओं के साथ आपने मेरी बात को सुना मैं पुनः अपने नए इन बेटा बेटी डिग्री धारकों को भी बधाई देता हूँ गुरुजनों को भी साधुवाद देता हूँ और मैं पटेल साहब कुलपति महोदय कर उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है इतनी सुविधाएं यहाँ पर हैं यहीं से क्रांति पैदा होगी तो पूरा विश्व इस यूनिवर्सिटी को याद रखेगा पंतनगर नगर से हर पंतनगर नगर से आपकी क्रांति शुरू हुई थी इस रासायनिक की और नवसारी से शुरू हो प्राकृतिक की तो एक इतिहास बनेगा और आप अमर बनेंगे इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद